तो आज हम अपनी मार्स सिटी के ऊपर एक अल्टीमेट शोरूम लगाने वाले हैं। इस शोरूम की खास बात ये है, हम इसके अंदर जाके गाड़ियों को मॉडिफाई कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और यहाँ तक गाड़ियों को सेल भी कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलो आज जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज हमने मार्स पे जो पिछली वीडियो में फार्मिंग इंडस्ट्री बनाई थी, देखो कितनी ज्यादा बढ़िया चल रही है। यहाँ पे फसलें हार्वेस्ट हो रही है और यहाँ पे दूर दूर शहरों में सामान लोड होके जा रहा है और देखो अपना बिजनेस भी कितना ज्यादा बढ़िया चल रहा है, वही 2.5 लाख होने को जा रहे हैं अपने। तो अपना ये वाला बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है। तो गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ, एक न्यू बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस होगा कार्स का। बट गाइज ये कार शोरूम कुछ यूनिक है, हम इसके अंदर जाके कारों को मॉडिफाई और भाई सेल भी कर सकते हैं। तो गाइज मुझे ये वाली जगह बढ़िया लग रही है, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो गाइज ये देखो, ये रहा अपना यूनिक वाला शोरूम। भाई तुम्हें छोटा सा लग रहा होगा पर ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो चलो भाई जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। तो ये हम करते हैं इस पे क्लिक और ये चले गए हम इसके अंदर। भाई ये बाहर से तो बढ़िया था और अंदर से देखो कितना ज्यादा बढ़िया है। गाइज ये देखो, ये गाड़ी के बोनट का सोफा बना रखा है यहाँ पे, वो कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये। और गाइज यहाँ पे देखो कितने सारे कलर्स हैं, वो यहाँ पे तो गोल्ड का भी कलर है ये देखो। और यहाँ पे देखो कितने सारे रिम रखे हुए हैं भाई गाड़ियों के। और यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे गाइज ये देखो, यहाँ पे एमो स्प्रे रखा हुआ है भाई। यहाँ पे गोलियां बारी भी चलती है क्या, एमो स्प्रे रखा हुआ है क्या भाई इसे चला सकते है क्या? अपना चैनल ही खोल के देख लेंगे हम क्या चल रहा है। अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं चला सकते इसमें से। तो गाइज ये देखो यहाँ पे किसी का आईफोन गिरा हुआ है भाई। किसका गिर गया ये, उठा लो कोई आके भाई, हम ही उठा लेते हैं अगर फ्री का माल मिल रहा है तो। और यहाँ पे देखो ये कितनी गंदी सी कार है, किसकी कार है भाई ये? भाई इसका मालिक जो भी होगा ना, पता नहीं किसे खड्डे में या फिर नाले में गिर गया भाई, इतनी गंदी कार करी हुई है इसने। तो इसको साफ करते हैं जल्दी से और देखते हैं अभी कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये। ओके तो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं भाई। पहले इसके ऊपर साबुन लगाना पड़ेगा हमें भाई, तुमने कार धोते हुए किसी को देखा तो होगा ही, पहले इसके ऊपर साबुन लगाना पड़ेगा हमें, फिर उसके ऊपर पानी मारते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये मतलब के धोने के बाद कौन सी गाड़ी निकलेगी भाई अंदर से। देखने से तो वैसे ये मस्टैंग लग रही है मुझे, बट पता नहीं कोई भी गाड़ी हो सकती है। तुम मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से कौन सी गाड़ी है ये, इससे पहले कि मैं इसे साफ कर दूं। ओके तो ये देखो गाइस, हमने पूरी साबुन से इसे नहला दिया है, अब जल्दी से इस पे पानी का प्रेशर मार दे भाई। ओके तो पहले इसको आगे से साफ करते हैं, देखते हैं कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये। भाई कितनी ज्यादा साफ हो गई है ये देखो भाई, इसकी हेडलाइट भी चमक रही है। गाइस इसकी कंपनी का तो लोगो ही नहीं है भाई, क्या देसी कंपनी की गाड़ी उठा के ले आया है ये। मुझे लग रहा है इसका लोगो पीछे होगा, तो चलो पहले आगे से साफ कर लेते हैं फिर चलते हैं पीछे। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा वैसे, वो देखो वहाँ पे गोडाउन में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं भाई, वो भी साफ करनी है हमें, बट आज नहीं करेंगे, वो कभी बाद में करेंगे, पहले इसे साफ करते हैं। इसकी नंबर प्लेट साफ करते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया। अच्छा तो ये अमेरिका का बंदा है कैलिफोर्निया का, बट भाई तेरी गाड़ी पे एक लोगो तो है नहीं, कौन सी गाड़ी उठा के ले आया तुम? गाइस ये देखो हमने पूरी कार धो दी और कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये। पहले ये कैसे थी और अब देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बट भाई अंदर से इसकी सीट देखो क्या हालत हुई पड़ी है। तो चलो इसको भी जल्दी से साफ कर देते हैं भाई। तो जल्दी से ना पहले इस पे क्या करते हैं, ये स्प्रे मारते हैं। ओके तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसके लगता है गाड़ी के अंदर भी चिक्कड़ बढ़ गया था भाई हमने पूरी सीट पे स्प्रे मार दिया, अब जल्दी से इसको साफ करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया साफ हो गई है भाई, क्या कलर आ रहा है इसका, और पहले देखो इसकी कैसी हालत हुई पड़ी थी। ओके ओके थोड़ा पीछे का रह गया, बस इसको साफ कर देते हैं जल्दी से। ओके तो देखो बिल्कुल साफ कर दिया हमने। ओके तो ये देखो हमने दोनों सीट साफ कर दिया, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये। और ये देखो जहाँ पे पैर रखते हैं वो भी कितना ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो इसको भी, इसके ऊपर भी ये स्प्रे लगाते हैं और इसके ऊपर भी ये वैक्यूम क्लीनर मार देते हैं। और ये देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये, इसका इंटीरियर भी अंदर से साफ कर दिया, ये देखो सीट कैसे चमक रही है। बट भाई जो इसके ये ग्लास है ना, वो ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही है, देखो कितने ज्यादा धुंधले से हुए पड़े हैं, अभी कुछ दिखेगा भी नहीं, अगर ड्राइवर बैठेगा तो भी सीधा जाके हमारे गोडाउन में ठोक देगा। तो पहले ये आगे वाला ग्लास साफ करेंगे हम, इसके ऊपर चलते हैं। ओके तो हम ग्लास क्लीन मार देते हैं ऐसे करके इसके ऊपर। ओके भाई ये देखो हमने पूरा मार दिया, अब हमें चाहिए कपड़ा। ये देखो भाई कितना ज्यादा साफ हो गया यहाँ से, गाइस ये देखो कितने अच्छे से साफ हो रहा है, सारा धुंधलापन चला गया इसका, अब भी बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देख सकते हैं इसमें से तो गाइस अब देखो इस शीशे को कितना ज्यादा क्लीन हो गया भाई, अंदर का इंटीरियर भी दिख रहा है। ओके तो अब साइड के शीशे साफ करते हैं इसके। भाई कितना ज्यादा मजा आ रहा है इसको साफ करने में, हाँ पर गेम में मजा आ रहा है, अगर असली में करना पड़ेगा तो भाई जान निकल जाएगी गाड़ी को साफ करते करते। इसके साइड मिरर भी साफ कर देते हैं भाई, तभी तो पीछे वाला बंदा दिखेगा, नहीं तो ये तो ऐसे ही मार देगा किसी में। ओके तो गाइस ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी दिख रही है अभी ये,
ओ भाई क्या लग रही है ये। ये इसके साइड मिरर भी मैंने साफ कर दिए हैं। अब ये जो बाहर पानी है ना इसकी बॉडी के ऊपर, ये भी जल्दी से साफ कर देते हैं भाई, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी फिर सेल करने के लिए। तो चलो गाइस पहले इसका हुड साफ करते हैं। भाई ध्यान रखिए कोई भी डेंट वगैरह ना पड़ जाए इसकी गाड़ी पे, भी हमें पैसे भरने पड़ जाएंगे अपनी जेब से। सिटी स्कैलन में वैसे भी अपने पास बहुत थोड़े पैसे हैं। ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ये क्या शाइनिंग आ रही है इस पे, ये देखो। तो देखो थोड़ा सा इसके यहाँ पे भी है। ये वाली जगह बताना गाइस कौन सी है, मुझे शायद रेडिएटर लग रहा है ये, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे जरूर बताना। अब जल्दी से इसको भी फिनिश कर देते हैं। भाई डोर तो साफ करना ही पड़ेगा अगर उसको दिख गया ना। गाइज ये देखो ये रहा इसका लोगो, ये देखो क्या लिखा हुआ V12, पता नहीं गाइज कौन सा लोगो है ये। ओके तो गाइज ये देखो अपनी गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। भाई पहले ये कैसे दिख रही थी, अब देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये। इसके ग्लास भी देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं। भाई इंटीरियर देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। तो अब हमने गाड़ी तो साफ कर दिया है, अब चलते हैं अपनी सिटी की तरफ जल्दी से। ओके तो आ गए हम अपनी सिटी में, और अपना यूनिक वाला शोरूम देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके तो अपनी सिटी को देख लेते हैं। ओ गाइस ये क्या हुआ पड़ा है यहाँ पे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई अपनी इतनी बड़ी सिटी बीमार कैसे हो गई, अरे इस सिटी के बंदे भी बीमार हैं भाई, क्या बात है ये भाई कैसे। भाई जो अपना फार्म का बिजनेस था यहाँ से बिल्डिंग भी अबैंडन्ड हो गई है, ये देखो ये वाला फार्म भी अबैंडन्ड हो गया। गाइस ये देखो ये वाली अपनी थोड़ी सी सिटी ठीक है, भाई जो हमने ये वाली सिटी बनाई है ना इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, भाई क्या प्रॉब्लम आ सकती है इनको। ओके तो गार्बेज का तो कोई इशू नहीं है। ओ भाई देखो यहाँ की हेल्थ कितनी डाउन है, पोल्यूशन देखते हैं, पोल्यूशन भी ठीक है बट। ओ गाइस ये देखो यहाँ पे वाटर पाइप में दिक्कत है, ये जो वाटर पाइप हमने बिछा रखी है ना इसमें दिक्कत है। ये देखो यहाँ की पाइप लाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए ये वाली सिटी ठीक है अपनी। और यहाँ पे अपनी जितनी भी सिटी है ना जो बीमार हुई पड़ी है, भी उनकी सभी पाइप में ऐसे पोल्यूशन हुआ पड़ा है। कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इस पाइप में, यहाँ से तो नहीं आ रहा ना, बट गाइज ये वाला पानी तो बाहर जा रहा है। ओ गाइज अब समझ में आई है, देखो 2 मिनट मैं ऐसे बंद करता हूँ। तो गाइज ये देखो मैंने यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर लगाया था, यहाँ पे अपनी लैंडफिल साइट है ना, और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा पोल्यूशन है, ये देखो सारा एरिया ऐसे पोल्यूशन से मार्क हुआ पड़ा है, और यहीं पे मैंने वाटर प्यूरीफायर लगा दिया। भी इसी करके घरों में गंदा पानी जा रहा है, और यहाँ के बंदे देखो कैसे बीमार हैं। भी एक भी घर ऐसा नहीं है जो बीमार ना हो, तो इसको जल्दी से यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से रिलोकेट करके मैं भी यहाँ पे लगा देना चाहिए। ओके तो अब दिक्कत चली जानी चाहिए यहाँ से। तो गाइज ये देखो यहाँ पे जितने भी बंदे बीमार थे ना वो सभी के सभी ठीक हो गए हैं। ओके तो गाइज ये वाली सिटी सही हो गई है। तो अब देखते हैं पानी में पोल्यूशन है क्या। तो ये देखो गाइज पानी में कोई पोल्यूशन नहीं है, ये देखो भाई बिल्कुल सही है ये। गाइज ये तो अच्छी बात है, हमें जल्दी से पता लग गया, नहीं तो अपनी जो मार सिटी है ना भाई वो तो खंडर सिटी बन जाती बिल्कुल ही। तो गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी चारों सिटी को मेट्रो लाइन से कनेक्ट कर देंगे। उसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी बट चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।